વેલકમ બેક બુલેટિનમાં આગળ વાત કરીએ તો અયોધ્યામાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ માટે વિશેષ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે વિશેષ રૂમમાં રખાય છે હવન અને પૂજાની સામગ્રી દેશભરમાંથી આવી છે હવન અને પૂજાની સામગ્રી અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી ગંગા જળ આવ્યું છે પવિત્ર નદીઓનું જળ દેશી ઘી કળશ સહિતની સામગ્રીઓ આવી છે બાવીસ જાન્યુઆરીએ હવનમાં ઉપયોગ કરાશે આ રૂમમાં ભગવાન રામ લક્ષ્મણ સીતાજીની સાંકેતિક પ્રતિમા પણ રખાશે અનુષ્ઠાન માટે આવી રહેલા પુરોહિતો પવિત્ર વસ્તુઓને દર્શન કરવા માટે ઉમટી રહ્યા છે बाईस तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है इस दौरान तमाम जो चीजें रामलला को अर्पित की जाएंगी उनको एक जगह पर रखा गया है कार सेवकपुरम में ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है एक स्टोरेज रूम बनाया गया है जहां पर भगवान श्री राम और इसके लक्ष्मण जी की मूर्ति इसके साथ साथ वाम जो हनुमान जी की मूर्ति गणेश जी की मूर्ति सब यहाँ पर इसके साथ साथ जो जल आया था उसको यहाँ पर रखा गया है इसको भी अर्पित किया जाएगा इसके साथ साथ जो घी आया था उसको भी जो है यहाँ पर रखा गया है तमाम कलश जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे इसके साथ तमाम जो नारियल है वो आपको यहाँ पर जो है दिखाई पड़ेगा तो ये पूरा जो धारण है वो उसको यहाँ पर किया गया है चूंकि अगर हम बात करें तो 22 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होना है उस दौरान जो तमाम अलग अलग, अलग जगह से जो तमाम जो चीजें आई हैं इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए उन सब चीजों को यहाँ पर रखा गया है हमारे साथ कुछ लोग भी हैं उनसे ही बात करते हैं एक बाईस तारीख को लेकर पूरी तैयारियां हो गई है अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कैसा महसूस हो रहा है बहुत आनंद हो रहा है हर देशवासियों के लिए अभिमान की बात है तो बहुत बढ़िया और बहुत खुशी हम मना रहे हैं डेढ़ साल से ये अनुष्ठान चल रहा है कि राम लला का मंदिर निर्माण जो अच्छी तरह से हो और वो निर्विघ्न रूप से आज बाविस तारीख तक प्राण प्रतिष्ठा उसकी हो इसीलिए जो तैयारी भी है इसमें जल है जलाधिवास बोल के एक विधि होता है उसके लिए ये जल लगता है और जो यज्ञ लिए यज्ञ के है लिए सब ग्रह भी है यानी घी गाय का घी ऐसे सब ये तैयारी की यहाँ कर लिए और ये सब हमारा जो ग्रुप है वो हम इसी अनुष्ठान में हैं अभी ये जो विधि विधान अभी होगा आज से जो शुरू हुआ है वो विधि में ये सब चीजें लगेगी डाली जाएगी भगवान के मूर्ति के ऊपर जलादिवास वगैरह जो घी है हवन में डालेंगे ये जो पानी है भगवान को जलादिवास कराया जाएगा ये सब चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे हिंदू संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा के विधि में ये सबसे अहम महत्वपूर्ण भूमिका है उसका बहुत आनंद हम यहाँ उठा रहे देखिए आप देख सकते हैं कि चूंकि देखिए पवित्र जो जल है तमाम नदियों का वो यहाँ पर रखा है घी रखा है इसके साथ साथ कलश यहाँ पर रखे गए हैं इसके साथ ही साथ नारियल यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा तो ये पूरा जो आ, कह सकते हैं कि जो पूरा जो पूजा पाठन का जो पूरा सामान होता है उसको यहाँ पर रखा गया है ताकि जो तमाम जो यहाँ पर जो यहां से सीधे जो है यज्ञ के लिए ले जाया जा सके 22 तारीख को चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उस वक्त ये तमाम जो सामान है उसको सीधे जो है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है ले जाया जाए जाएगा मैं के साथ विशाल दिव्याशालंशी जी मीडिया अयोध्या